सब लोग तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, वैल्यूएशन पढ़ लिया था, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं, गुडविल की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, इफेक्टिंग फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो गुडविल का जो पैसा लेके आएगा उसका ट्रीटमेंट अपन को कैसे करना है, जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, वो सब अपन को आज समझनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसमें कि अपन को कई सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने पहला पॉइंट लिया है न्यू पार्टनर यानी कि इनकमिंग पार्टनर हुआ ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, यानी कि इसमें ये जो मेन वर्ड है ये है प्राइवेटली। ठीक है, अगर गाइस कोई भी पार्टनर यानी कि कोई न्यू पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है और वो गुडविल को प्राइवेटली दे रहा है, इसका मतलब फॉर्म में गुडविल नहीं आ रही है, यानी कि वो प्राइवेटली तरीके से किसी भी पार्टनर को गुडविल दे रहा है। ठीक है, तो गाइस फॉर्म में तो गुडविल नहीं आ रही है, इसका मतलब यहां पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा यानी कोई भी जनरल एंट्री पोस्ट नहीं होगी। ठीक है, प्राइवेटली पर्पस का मतलब होता है, तरीके का मतलब होता है कि फॉर्म में गुडविल नहीं आ रही है। ठीक है गाइस, बात कंप्लीट हुई। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, द न्यू पार्टनर यानी इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स इन अ शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली यानी कि प्राइवेटली तरीके से लेके आता है। तो गाइस ये अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया है। अब गाइस दूसरा करेंगे, दूसरा पॉइंट है यानी कि न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जो पार्टनर है न्यू पार्टनर यानी इनकमिंग जो पार्टनर है वो जो गुडविल का जो पैसा है, ठीक है, किसका पैसा, गुडविल का, वो किस में लेके आ रहा है, इन कैश, यानी वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल का पैसा। तो एंट्रीज अपन को क्या क्या पोस्ट करनी है वो समझते हैं और ध्यान से समझिएगा, मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं अपन इसमें गुडविल इन कैश। तो गाइस सबसे पहले अपन को क्या करना है जब गुडविल की एंट्रीज पोस्ट करेंगे, यानी कि आपके पास जो ओल्ड यानी कि ओल्ड गुडविल यानी पुरानी जो कोई गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल यानी आपके पास कोई भी बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल चली आ रही है इसका नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, उसे अपन को करना है क्लोज। ठीक है, क्या करना है, क्लोज करना है, और वो भी कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्लोज होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उस गुडविल को क्या करेंगे अपन, क्लोज करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहां पे जो अपना फर्स्ट जो एंट्रीज अपन करने वाले हैं गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है गाइस, एग्जिस्टिंग गुडविल यानी कि गुडविल अकाउंट अपन को क्लोज करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल थी जो अपन एंट्रीज क्या पोस्ट करने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है गाइस, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, यानी कि ये हमारा जो एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट था वो क्लोज कर दिया है। गाइस अपन को अच्छे से पता है कि गुडविल का जो अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है डीआर, असेट साइड ये होती है डीआर, बैलेंस होता है डीआर से उठा के अपन ने एसीआर कर दिया है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कर दिया है कम, यानी कि अपन लिख दिया ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक बार यहां पे गाइस मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब हमने तो ये अज्यूम्ड कर लिया है कि ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होता है जब तक कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करते हैं, इसका मतलब ये आपको कैपिटल की जगह पे क्या यूज करना है, करंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री, करते हैं सेकंड। अब यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, कैश में, न्यू पार्टनर पेड गुडविल इन कैश। तो गाइस क्या, न्यू पार्टनर्स पेड गुडविल इन कैश, अब यानी कि जो गुडविल है वो कैश में पेड करिए, तो एंट्रीज क्या पोस्ट करने वाले हैं ध्यान से जरा समझिएगा, कैश, यदि कैश में देगा तो कैश और अगर वो बैंक में देगा तो बैंक।
यानी कैश या बैंक अकाउंट डी आर, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। यहां पे गाइस एक बात समझाना चाहूंगा मैं आपको, ये जो गुडविल अकाउंट मैंने यहां लिख दिया है, ये इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या लिख सकते हैं गाइस? प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वो एक प्रीमियम ही तो दे रहा है, तो आप तो गुडविल भी लिख सकते हैं या फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बॉक्स में कहीं प्रीमियम लिखा रहेगा, आप बोलोगे सर आपने तो गुडविल लिखवा दिया, वहां पे प्रीमियम लिखा हुआ है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल या गुडविल। तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, यानी कि जो भी कोई अमाउंट जो भी होगी वो अपन यहां पर अमाउंट को लिख देंगे, ठीक है। ये कौन लाएगा? न्यू पार्टनर की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं इनकमिंग पार्टनर। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, न्यू पार्टनर लेके आएगा और वो किसमें? कैश में, यानी कैश में लाएगा तो कैश लिख लेंगे, अगर उसने बैंक के चेक वगैरह से दिया है तो अपन बैंक यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया गुडविल का। सपोज दैट अगर वो कैपिटल भी लेके आए, यानी गुडविल के साथ अपनी कैपिटल भी लेके आएगा, तो यहीं पे एंट्री यही पोस्ट होगी, कैश या बैंक अकाउंट डीआर गुडविल का पैसा दे दिया, तो गुडविल, और यहां पे लिख सकते हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी सीआर कर देंगे, अगर वो दोनों चीज का पैसा एक साथ दे रहा है, गुडविल का भी दे रहा है कैपिटल का भी दे रहा है, तो एक साथ एंट्री पोस्ट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों को पैसे दे दिए और दोनों की अपन एंट्री पोस्ट कर दिए, ठीक है गाइस। ये था एंट्री नंबर सेकंड, पहले अपन ने जो ओल्ड गुडविल थी वो क्लोज करी, उसके बाद जो गुडविल का पैसा वो कैश में लेके आया वो अपन ने एंट्रीज पोस्ट कर दी, यानी गुडविल के लिए कैश या बैंक अकाउंट डीआर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल की भी अगर आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो, ठीक है, यहीं पे आपको मैंने ये समझा दिया है। अब बात करते हैं गाइस एंट्री नंबर थर्ड की, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, यानी कि अब जो गुडविल है, जो पैसा लेके आए हैं गुडविल का न्यू पार्टनर, उसको ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा गुडविल उसी को मिलेगी, यानी सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि एंट्री नंबर थर्ड। लेकिन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो रेशियो, ठीक है गाइस, क्या लिखा है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो, यानी सैक्रिफाइस के रेशियो में गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गाइस एंट्री जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्री होगी क्या, यानी कि गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप पूरा लिखेंगे, यानी गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर ली है, ठीक है गाइस, यानी कि गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो भी क्या है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स में और इन सैक्रिफाइस रेशियो में, तो हमने लिख दिया गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बार बार बोल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट अपन इसलिए यूज कर रहे हैं कि अपन ने माना है कि फ्लक्चुएटिंग से जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, अगर एक क्वेश्चन में गिवन है कि ये लोग फिक्स्ड मेथड से अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे अपन को पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड, अब भाई बात करते हैं एंट्री नंबर फोर की, एंट्री नंबर फोर कब होगी कब नहीं होगी इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ यानी वो पैसा निकाल लेते हैं फर्म से, इसका गुडविल का, तो एंट्री पोस्ट होगी फोर्थ, यानी कि गुडविल अमाउंट विड्रॉ, ठीक है, गुडविल अमाउंट विड्रॉ इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, यानी गुडविल का अमाउंट अगर वो विड्रॉ करते हैं तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स ही करेंगे एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर,
sacrificing partners capital account DR to cash account, to cash या bank account. ठीक है गाइस, यानी कि sacrificing partners capital account DR to cash या bank account ये entry post होगी. यानी कि उन्होंने capital यानी कि goodwill का जो पैसा है उन्होंने क्या कर लिया, withdraw कर लिया है. तो withdraw कर लिया इसका मतलब वो पैसा लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो capital यहाँ जो CR हुई थी अब वो DR कर दी. sacrificing partners capital account DR to cash या bank account, यानी कि ये entry number 4 तब होगी जब वो goodwill का पैसा निकाल के ले जाएंगे, withdraw कर लेंगे. ठीक है गाइस, चार एंट्रीज बताएंगे. सबसे पहली एंट्री अपन ने क्या करी थी कि जो ओल्ड गुडविल थी यानी जो पुरानी गुडविल थी यानी एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसे अपन ने बंद किया है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में. तो अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल. क्योंकि गुडविल का बैलेंस क्या होता है डीआर, तो उठा के अपन ने क्या कर दिया सीआर. कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सीआर, अपन ने उठा के क्या कर दिया डीआर, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल. ठीक है, सेकंड एंट्री थी कि कोई न्यू पार्टनर यानी इनकमिंग पार्टनर जब गुडविल का पैसा लेके आएगा तो एंट्री पोस्ट हुई थी कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल. अगर वो कैपिटल का पैसा भी दे रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है गाइस, एंट्री नंबर थर्ड यानी कि जो गुडविल है यानी जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो पैसा है उसको ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड किया जाता है. यानी सैक्रिफाइस का मतलब यानी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल उसी को मिलेगी. ठीक है राइट, तो जिसकी अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी थी गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रही एंट्री गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंट्री नंबर 4 बताई थी कब होगी कब नहीं होगी, अगर वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं सैक्रिफाइस पार्टनर्स तो एंट्री पोस्ट करनी है. यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है गाइस, ये चार एंट्रीज थी. इसमें एक चीज अपन ने और कम बता दी है आपको कि अगर पार्टनर्स ने अपने अकाउंट फिक्स्ड से मेंटेन कर रखे हैं तो जहां जहां अपन ने कैपिटल यूज किया वहां अपन क्या यूज कर सकते हैं करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं करेंगे. ठीक है गाइस, तो ये था मेथड नंबर यानी कि एंट्री नंबर 2 न्यू पार्टनर्स इनकमिंग ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी वो कैश में अगर लेके आते हैं तो. अब गाइस प्राइवेटली समझ लिया, ये कैश का समझ लिए, एंट्रीज है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को हिट करते हैं, हर क्वेश्चन को हिट करेंगे गुडविल, तो इसलिए अपन को ये जानना बहुत जरूरी है गुडविल के बारे में, अपन को एंट्रीज अच्छे से समझनी है. ठीक है गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की. ठीक है गाइस, और उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है. वो बोल रहा है न्यू पार्टनर ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड का मतलब क्या है कि यानी कि वो गुडविल को कैश में नहीं ला रहे हैं, इसमें नहीं ला रहे हैं, वो गुडविल को कैश में नहीं ला रहे हैं. इन काइंड का मतलब यानी कि वो है कि गुडविल के लिए वो या तो अपनी असेट से कोई लेके आ रहे हैं तो वो एंट्री अपन को पोस्ट करनी है. यानी गुडविल के बदले वो कैश ना देकर वो क्या दे रहे हैं असेट्स दे रहे हैं. तो ठीक है गाइस, तो वो अपन को एंट्रीज समझनी है. ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस, तो पहली एंट्री यानी कि मैं बार बार नहीं समझा रहा, यानी जो अपने सेकंड में मेथड में जो समझा ओल्ड गुडविल को अपन क्लोज कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में. ठीक है ना, और दूसरा है यानी कि अब जो गुडविल को कैश में नहीं ला रहा क्योंकि इन काइंड लिखा हुआ है, यानी कि वो कैश के अलावा कुछ लेके आ रहा है, यानी कि असेट्स अकाउंट डीआर, वो असेट्स लेके आ रहा है असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि वो असेट्स में ला रहा है जिसमें उसने गुडविल का पैसा भी इसी में कंप्लीट है और पार्टनर्स की कैपिटल का पैसा इसी में कंप्लीट है, यानी कि उसने कैश के बदले में असेट्स दी है फर्म को. ठीक है, तो उसमें गुडविल का भी पैसा कंप्लीट है और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल का भी पैसा कंप्लीट है. ठीक है गाइस, तो ये है एंट्री नंबर 2, यानी फर्स्ट मैंने नहीं कराई है एक्सिस्टिंग गुडविल को क्लोज करने की, ये गुडविल का पैसा वो लेके आया है तो ये करा दिया है. एंट्री नंबर बात करते हैं 3 की, ये सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री जो भी मैंने कराई नहीं है जो सेकंड में टॉपिक का बना समझी थी से जस्ट पहले वाले में. अब 3, अब यानी कि गुडविल को कौन बांटेगा ओल्ड पार्टनर, वो भी कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में, इसलिए मैं हेडिंग भी नहीं डाल रहा हूं. एंट्री क्या पोस्ट होगी यानी कि गुडविल अकाउंट डीआर
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वही सेम एंट्री गुडविल अकाउंट या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में, क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा गुडविल का पैसा उसी को मिलेगा, तो यानी गुडविल अकाउंट या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री नंबर फोर की बात करने का जो कि हम नहीं कराएंगे, क्यों कि वो एंट्री कब होगी कब नहीं होगी बता दिया है लास्ट बल्क पॉइंट में, यानी कि अगर वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है गाइस, दो एंट्री मेन है। इन काइंड का मतलब है यानी वो कैश में ना लाए, किसी अदर चीज में वो लेके आए, तो असेट्स में लेके आए, तो असेट्स अकाउंट या टू गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, समझ में आ गई। ओल्ड गुडविल को आप क्लोज करेंगे तो इससे पहले एंट्री होगी, जो कि अपन ने सेकंड पॉइंट में समझ लिए। पॉइंट नंबर कौन सा था गाइस? थर्ड। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे भी कोई कहानी है कि कैपिटल क्यों यूज कर रहे हैं, करंट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया है आपको, अगर वो फिक्स से मेंटेन करेंगे तो करंट यूज करेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग से है तो कैपिटल। तो ये तो मैं मान रहा हूं कि फ्लक्चुएटिंग से चल रहा है। ठीक है ना गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं गाइस इसे मैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। अब पॉइंट नंबर फोर क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से समझेंगे। और मोस्ट है लिखा हुआ है न्यू पार्टनर, यानी इनकमिंग पार्टनर डज नॉट, यहां पे मैं लिख देता हूं एरो लगा के, डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश, ये पॉइंट नंबर फोर। दो वाइज न्यू पार्टनर यानी इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डज नॉट, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है अपन को, डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे अगर वो गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं लाएगा कोई पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है, तो फिर क्या एंट्रीज पोस्ट होंगी? तो जिसमें कि अपन को फर्स्ट एंट्री याद रखनी है, अगर एक्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से बंद करेंगे, यानी क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड एंट्री की बात है, यानी कि कैश में तो गुडविल ला नहीं रहे, तो इसका मतलब गुडविल कहां से कवर हो? तो गुडविल हम लोग कवर करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट से, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यहां पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे या करंट अकाउंट लिखे, तो पूरी बात समझाएंगे पहले। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, यानी कि उनकी कैपिटल से क्लोज, यानी उनकी कैपिटल से कवर कर लिया न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, यानी कैश नहीं ला रहे। अब गाइस यहां पे अपन लोग करंट भी यूज करेंगे, कैपिटल या फिर करंट। अब गाइस क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में ये बात है यानी कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो जो न्यू पार्टनर है वो भी गुडविल नहीं ला रहा है कैश में, तो उसने बात बोले कि सर मैं एक महीने बाद या दो महीने बाद या दस दिन बाद या बीस दिन बाद मैं गुडविल का पैसा आपको दे दूंगा, तो हम क्या करेंगे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे गाइस? करंट अकाउंट, जिससे उसकी कैपिटल क्या नहीं हो, कम नहीं हो। तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू गुडविल। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में हुआ है नहीं गुड, अगर आप अभी आ गए तो गुडविल आपको अभी ही देनी पड़ेगी, तो उस केस में हम लोग करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है गाइस, उन्होंने बोला कि अभी चाहिए तो अपन ने न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर बात हो रही है कि ठीक है बाद में 10 दिन बाद 20 दिन बाद महीने भर बाद, वो मान गए हैं कि हाँ गुडविल का पैसा दे देना महीने भर बाद या एक दो महीने या थ्री मंथ जैसा भी है, तो करंट अकाउंट यूज करेंगे टू गुडविल। लेकिन यहीं पे भी वही बात है, अगर वो फिक्स से अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट यूज करें, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग से है तो कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर पार्टनर्स के बीच में ये हुआ है कि वो दो महीने बाद या तीन महीने बाद गुडविल दे देंगे, तो उससे उनकी कैपिटल कम ना करके एक करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो इसलिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ध्यान समझना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीआर तो टू गुडविल। ठीक है, एंट्री नंबर थर्ड सेम रहेगी। थर्ड एंट्री यानी कि वही गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बांटेंगे, एंट्री वही गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स से मेंटेन कर रहे हैं तो करंट और फ्लक्चुएटिंग से तो कैपिटल, और उसके बाद अगर वो विड्रॉ करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी, जो कि अपन ने समझ लिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई, यानी डज नॉट ब्रिंग इन शेयर गुडविल इन कैश, यानी कि वो कैश में अगर गुडविल नहीं लाते हैं तो हम उसे कहां से कवर करते हैं, उनके करंट अकाउंट से या फिर कैपिटल।
ठीक है, कब यूज करते हैं ये आपको मैंने बता दिया। नॉर्मली आपको क्या यूज करना है इसमें, करंट अकाउंट आपको नॉर्मली यूज करना है। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फोर पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात करते हैं गाइस फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट की तो यानी कि लिखा हुआ है इफ, अब यहां से डज नॉट हटा रहे हम लोग, यानी कि न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन शेयर गुडविल इन पार्ट ऑफ कैश। पार्ट ऑफ कैश का मतलब है यानी कुछ हिस्सा, यानी वो कुछ हिस्सा तो कैश में ला रहे हैं और कुछ हिस्सा वो कैश में नहीं ला रहे हैं, तो वही है यानी गुडविल पूरी कैश में ना लाके कुछ हिस्सा उसका कैश में लेके आ रहे हैं। तो गाइस एंट्री क्या पोस्ट की जरा ध्यान समझेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है, जो पैसा वो लेके आए वो अपन यहाँ पे ले देंगे। ठीक है, जैसे 20,000 की गुडविल है सपोज दैट, तो 10,000 को कैश में लाए, अब रह गए 10,000, तो अपन किससे कवर करेंगे, उनके करंट अकाउंट से कवर कर लेंगे, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर, यहां पे कैपिटल का यूज हुआ करंट, इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में अपन ने समझा दिया। तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर 10,000 से, पार्टनर्स करंट अकाउंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर जो रिमेनिंग है 10,000 टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, यानी कि कैश या बैंक, यानी जितना पैसा वो कैश में ले गया अपने कैश में कर दिया, जो पैसा वो कैश में नहीं ला रहे हैं वो अपन ने करंट अकाउंट के थ्रू कर लिया, फिर कैपिटल का यूज वो भी बता दिया है, और टू गुडविल अकाउंट अपन ने कर लिया। अब वही इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही सैक्रिफाइस इन पार्टनर्स एंट्री गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो विथड्रॉ करेंगे तो सैक्रिफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो ये पार्ट कैश में और कुछ हिस्सा वो कैश में जो नहीं लाया वो कहां से, करंट अकाउंट से हमने कवर कर लिया है। तो ठीक है, ये न्यू पार्टनर यानी इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन पार्ट ऑफ कैश, यानी कि इस फर्स्ट एंट्री भी क्लोज करने की, यानी कि अगर आपके फर्म में एक्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे आप क्लोज कर दें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, उसके सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर वो विथड्रॉ करते हैं तो फोर्थ एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये था पॉइंट नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो गाइस ये बात आपको समझ में आई अच्छे से, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स की। पॉइंट नंबर सिक्स, अब बात करते हैं गाइस कि यानी कि अब ये तो कुछ नहीं है इसमें, अपन ने जो 5 पॉइंट कंप्लीट करे थे वो इसमें ही काम आ गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू sacrificing partners capital account, यानी कि gaining partners capital account DR to sacrificing partners capital account, यानी जिसको gain हुआ उसकी capital को DR और जिसने sacrifice किया उसकी capital को अपन करेंगे CR। यहाँ पे current account का मतलब समझ लेना, fixed से maintain करते हैं तो current, और अगर fluctuating से तो capital अपन use करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था अपना लास्ट पॉइंट सिक्स। इसके बाद एक पॉइंट है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का मैंने आपको समझा दिया, एंट्री सेम पोस्ट होगी, उसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत अपन को नहीं है, बस हिडन गुडविल की अमाउंट निकालनी है और एंट्री सेम पोस्ट अपन को करनी है। अगर वो कैश में ला रहा है तो पॉइंट नंबर सेकंड, अगर वो हाफ कैश में ला रहा है या हाफ किसी अदर उसमें लेके आ रहा है तो अपन ने कर लिया था यानी कैश, और उसके कैपिटल अकाउंट से कवर कर लेंगे। अदर इन काइंड में ला रहा है तो असेट्स यूज कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, ये थे अपने गुडविल के फैक्टर्स यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गाइस इसको अच्छे से करें, रिवीजन करें, लास्ट की जो हमने वीडियोस आपको दे रखी हैं आप उनका रिवीजन करते रहें, इसको ध्यान से पढ़ें एक बार, इसका रिवीजन करें अच्छे से। ठीक है गाइस, क्योंकि एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।